Assalamu alaikum guys, this is Sir Zaheer. I've been teaching English language for 6 years. तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं. जब कभी वो एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करते हैं, उन हमेशा उनके साथ यही होता है कि इंग्लिश वीक होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं या अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते. और अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है जॉब के हवाले से. जब भी किसी से वो बात करते हैं, जब वो जो उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है. हालांकि वो जानते हैं, इवन दो दे नो थिंग्स बट दे कैंट आंसर, तो वो जवाब नहीं दे पाते. तो इसी हवाले से मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए, जहाँ पर उनको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ और उनके इस मसले को हल किया जाए. तो इसी हवाले से मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आई कैन डू के नाम से, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी. तो मैं ना सिर्फ आपको इंग्लिश के हवाले से चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, बल्कि आपको मोटिवेशनल स्पीचेस भी प्रोवाइड की जाएंगी. उसके अलावा स्टोरीज जो कि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होंगी, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो मुझे एक स्टोरी बहुत पसंद है, वो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा. वो स्टोरी ये है कि एक कंस्ट्रक्टर था, ही वर्कड विद अ कंपनी फॉर 35 ईयर्स. उसने एक कंपनी के साथ 35 साल तक काम किया था. तो 35 साल काम करने के बाद एक दिन उसने सोचा कि मुझे रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वो लेज़ी था, ही वॉज़ वेरी स्लगिश काइंड ऑफ. तो उसने सोचा कि मुझे अभी रिटायर हो जाना चाहिए. तो वो बॉस के ऑफिस में गया और उसने कहा कि सर, अभी मैं थक चुका हूँ जॉब से, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ. तो बॉस ने कहा, अभी तुम एनर्जेटिक हो, अभी तुम काम कर सकते हो, तो तुम क्यों रिटायर होना चाहते हो? तो उसने कहा, बस मैंने ये सोच लिया, अभी मुझे जाना है, आई गॉट फेड अप विद दिस जॉब. तो बॉस ने कहा, चलें ठीक है, मैं आपको नहीं रोकता, मैं आपको जाने देता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप एक आखिरी इमारत तामीर करके चले जाएं, फिर मैं आपको जाने दूँगा. तो उसने, जैसे कि उस कंपनी के साथ 35 साल काम किया हुआ था, तो उसने सोचा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आखिरी बिल्डिंग में बना के चला जाता हूँ, जैसा कि आप कहते हैं, मैं आपकी बात रख लेता हूँ. तो वो फिर चला गया और कुछ ही अरसे में, कुछ महीनों में उसने ऐसे तैसे करके वो बिल्डिंग बना के सर के ऑफिस आ गया. तो उसने आके अपने बॉस से कहा कि ये ले अपने उस बिल्डिंग की चाबी जो आपने कहा था बनाने के लिए, मैं बना के तैयार करके आ चुका हूँ. तो सर ने कहा, ठीक है बेटा, आप बैठ सकते हैं, अभी हमारे पास बैठें. आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो 35 साल काम करने के बाद हम आपको जाने से पहले छोटा सा गिफ्ट देते हैं. तो उसने कहा, ठीक है. तो सर ने, उस बॉस ने उसी बिल्डिंग की चाबी जो उसने आखिरी बार तामीर की थी, उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है. तो उसने कहा, काश मुझे पहले पता होता तो मैं इस बिल्डिंग को ऐसा बनाता कि दुनिया देखती, इसमें ऐसे स्विमिंग पूल बनाता, इसमें ऐसा गार्डन बनाता कि लोग हैरान रह जाते. तो अब भी आपके पास टाइम है कि जो हम छोटी छोटी सी चीज़ें रोज़ सीखते हैं, इसको अगर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो कल हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि काश मुझे पहले पता होता. फिर कल को हम ये भी यही सोचेंगे कि यार, ये तो वही बिल्डिंग है जो हमने खुद बनाई है. अगर आज हम इस बिल्डिंग को अच्छे तरीके से बनाएंगे, कल को हमें ये नहीं कहना पड़ेगा काश मुझे पहले पता होता. तो आज हमारे पास टाइम है इस बिल्डिंग को अच्छी तरह तामीर करने, और कल इसी बिल्डिंग में हमने रहना है. तो ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी. और आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ना सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना, बट यू हैव टू गेट इट सब्सक्राइब्ड बाय द पीपल, और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाना है, ताकि ये मैसेज हर जगह पहुंच सके, ताकि जो भी इंग्लिश के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं या किसी और हवाले से, मैं आपको साथ में मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता रहूँगा, ताकि ये आपके लिए एक फ्यूल का काम कर सकें और आप आगे लाइफ में बढ़ सकें. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.